जय एमबी मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। ओप्पो A3s रनिंग मॉडल, इसके कम से कम 5 से 6 डिस्प्ले हम डाल चुके हैं और हर किसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। इसमें ऑलरेडी मदरबोर्ड रिपेयर किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले कनेक्टर पे, यहाँ देख सकते हो आप, इसके अंदर जम्पर मारा हुआ है, किसी ने ऑलरेडी काम किया हुआ है मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे। ओके, फिर भी हम इसमें रिक्स लेके डिस्प्ले डालने की हमारी कोशिश कि इसको कम्प्लीटली फिर भी हम कर देंगे। सबसे पहले हमें निकालना होगा बैटरी, बैटरी को रिमूव करते समय बहुत सारी सावधानी रखनी है, बैटरी कहीं से डैमेज ना हो जाए ये सब चीज़ें देखनी है और आराम आराम से बैटरी को रिमूव करना है। बैटरी को रिमूव करते समय ध्यान देना है कि चिपियाँ अंदर घुस ना जाए, बैटरी के अंदर एंटर ना हो जाए। बैटरी के अंदर चिपियाँ अगर एंटर हो जाएगा बैटरी ब्लास्ट होने के चांसेस रहेंगे। चलो, जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरी तरीके से बैटरी को रिमूव कर दिया है और ध्यान देना कि नुकीली चीज़ लोगे तो बैटरी के अंदर एंटर हो जाएगी, तो बैटरी अगर कनेक्टर लगा होता है तो ब्लास्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आप देखो ये डिस्प्ले को हमने रिमूव कर दिया है, ये डिस्प्ले अच्छे से रिमूव हो चुकी है, हमें इसे वाटर डैमेज भी है ऊपर के भाग में नीचे के भाग में और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी था। ये गई भाड़ में, आप देख सकते हो ये जूनियर डिस्प्ले, ये न्यू डिस्प्ले है, न्यू इसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के पहले पहले हमें क्या क्या करना होता है, गम सूखने के पहले किस में काम करना होता है, वो सब जानकारी हमने दे दी है आपको। सबसे पहले अगर आप गम मार के रख दोगे तो जो नया वाला गम है या फिर जूना गम है वो सूख जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि ये गम इस गम बन गया यार। कौन है ये? जैसे कि आप देख रहे हो जो जूना गम है उसको हमने आधे के ऊपर निकाल दिया है, जो कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा गम लगा होता है उसे हम इंस्टॉल या रिमूव कर रहे हैं पूरी तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हो गम रिमूव करना ये भी एक आर्ट है, कितने लोग मिडल उसको निकालने में तोड़ देते हैं और ये ऑलरेडी वाटर डैमेज भी है, इसलिए पूरी तरीके से गम हो रिमूव होने के बाद ही इसमें दूसरा गम लगाना है, नहीं तो गीलापन की वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी पहले से गम लगा है और जो नया गम लगेगा उसकी वजह से जो नया गम लगने वाला है वो मजबूती से नहीं टिकेगा, बराबर। इसलिए सावधानी और ध्यान देना है कि जूना गम प्रॉपरली पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए तभी नया गम अच्छे से इंस्टॉल होगा, बराबर। देख सकते हो पूरी तरीके से गम रिमूव हो चुका है, वो भी बेहतरीन तरीके से। कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है तो इसको सॉल्यूशन करना बढ़िया से आना चाहिए, और गम ही रिमूव नहीं होगा तो दूसरा जो गम लगेगा वो कैसे लगेगा, नहीं लग पाएगा ना। ये सब चीज़ें है जो ऑलरेडी अनुभवी है, जो पहले से ही बहुत साल से काम कर रहा है उनको सब पता ही होता है। जैसे कि देख रहे हो यहाँ टेप मारा हुआ है, क्यों मारा है, कि बाय चांस अगर आर पार या कुछ प्रॉब्लम होती है, नट आर पार चला जाता है और या ग्राउंड पत्रे से टच होता है तो टच भागने का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो चीज़ पहले से ही सावधानी करके रखी कि भाई ये काम रिमूव ना हो या फिर प्रॉब्लम ना हो। ओके, ऑलरेडी आप देख रहे हो पूरी तरीके से गम रिमूव हो चुका है, देखते हैं आपसे।
जैसे कि आप देख रहे हो हमने अच्छे तरीके से गम को इंस्टॉल कर दिया है। अब बारी है ये बेल्ट के ऊपर की जो स्टिकर है इसको निकालने की। उसमें भी एक टेक्निक होती है कि जो ये बेल्ट के ऊपर जो ब्लू पट्टी या ग्रीन पट्टी लगी है इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करते समय ध्यान देना है कि इस बेल्ट को ऐसे थोड़ा हल्का सा खींच के और फिर इसको इंस्टॉल करना है, बराबर। ऐसे नहीं करोगे तो आपके जो टच का या डिस्प्ले का रिश्यू का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व नहीं होगा। इसको देखो ऐसे करके फिर ऐसे इंस्टॉल करना है और इसको हल्का सा प्रेस कर देना है, एकदम इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑलरेडी इस मदरबोर्ड में हमने काम कर चुके हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो या फिर जम्पर तार वगैरह कुछ इश्यूज क्रिएट ना हो। आप देख सकते हो एकदम इजीली बेल्ट इंस्टॉल हो चुका है और बैटरी है, बैटरी भी इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। कनेक्टर भी अपनी जगह सही से लग चुका है और इसके जो स्पेयर पार्ट है वो भी अपनी जगह लग जाएगा। देख सकते हो आप पूरी तरीके से ये डैमेज था और हमने इसको बेल्ट वगैरह लॉक वगैरह सब कुछ लगा दिया है। लॉक नहीं लगाओगे तो अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लॉक में बिठाना ही पड़ेगा आपको। और ख़ास करके सबसे पहले क्या लगाना है, यहाँ का नट लगाना है। क्यों? ये जो डिस्प्ले का बेल्ट है वो अच्छे से लगा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से ही स्टार्टअप भी करना है क्योंकि पूरा सेटिंग यही से होता है। जो भी है कम्प्लीटली सेटिंग करना है, ना कि इधर उधर कुछ करना है। जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरी तरीके से फिटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और नट लगभग गिर चुके हैं। अमुक नट है, अमुक नट है ही नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो हमने पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। ओके, अब खाली एक चीज़ को संभालना है, बटन को ऑन ऑफ वाले, कि ऑन ऑफ वाला बेल्ट जैसे ही होगा वैसे हम इसको और फिटिंग कर देंगे। इसका सिम ट्रे वगैरह सब कुछ कस्टमर को दे दिया होगा। हाँ, एक को लगाया दूसरा निकल गया, ऐसा काम है। खास करके बटन के लिए ऐसा देखना होता है, अगर आप बटन लगा रहे हो तो हो सके तो टेप मारिए, अगर टेप नहीं मार सकते हो आप तो क्या करना है पता है आपको? एक नई ट्रिक बताता हूँ, उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपको अनुभव होता है तो आप तो ऐसे भी कर लोगे, अगर अनुभव नहीं है आपको तो आपको बड़ी सावधानी रखनी होती है। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ें होती है कि जो ओल्यूम का बेल्ट है, ऑनर का बेल्ट है, अपनी जगह लगा ही होता है, खाली आपको उसको फिटिंग अच्छे से करना होता है और मदरबोर्ड को सही से फिटिंग करना होता है। देख सकते हो लॉक अच्छे से लगा लीजिए, सब जगह से फिटिंग कर लीजिए। अगर बटन वर्क कर रहा है सब कुछ चेक कर लेना होता है और सही से आप देख सकते हो हमने इसको ऑन करने की तैयारी और ये ऑन हो चुका। आप देख रहे हो हमने ओप्पो A3s मोबाइल कम्प्लीट, जैसे कि आप देख रहे हो ओप्पो A3s हमने अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंस्टॉलेशन कर दिया है। ये ओप्पो लिखा हुआ आया है और ये कम्प्लीटली तैयार है। और एज ग्रेड का जो डिस्प्ले आता है कंपनी का वो हमने इसमें लगाया है और बहुत बेहतरीन से फिटिंग भी हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बैटरी लो के कारण